ujela rana jale ila sabri na lama dabuda rana jale ila sidi amar jatavi di rana jale आप लोग इत्मीनान रखिए, बड़ी सरकार के आते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। है क्यों जोगिंदर, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? दो नंबर साइड की कुली बस्ती में बड़े जोर से हैजा फूट पड़ा है सर का, कुली लोग डर के मारे भागे जा रहे हैं। हुजूर से यही अर्ज करना है। नहीं, उसमें तो खड़ी हूँ। मिस्टर दास, आप फॉरन हेडक्वार्टर से मेडिकल एड का बंदोबस्त कीजिए। मैं आज ही दो नंबर साइड का मुआयना करा था, क्योंकि कल मैं आ नहीं सकता, मेरी लड़की का जन्मदिन। चलो जोगिंदर। स्टेशन से खाली ही लौट आई। क्यों? उन्होंने तो चिट्ठी में लिखा था वो यहाँ होते हुए काशी जाएंगे। जरूर कोई खास बात हो गई हो। ये हमारी रमा का पहले ही जन्मदिन है और बुआ जी के नाम से जश्न एकदम फीका फीका सा लगेगा। हाँ। बुआ जी से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं, पर प्यार इतना करती है कि कोई सचमुच का रिश्तेदार भी नहीं कर सकता। बेबी का दूध का टाइम हो गया। हाँ ले जा, मैं बाद में कपड़े पहना लूँ। रमा की नई फ्रॉक देखिए ना कैसे सिली है। वाह, बहुत सुंदर है। तो आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है। आज आपके बेटी का जन्मदिन। और अगले साल क्या होगा? फिर रमा का जन्मदिन होगा। हर वर्ष के रमा का ही जन्मदिन क्या करेगा? खबरदार, एक ही से मेरे नाक में दम हो रहा है, मुझे और नहीं चाहिए। हुजूर,
कौन? क्यों चौकीदार, क्या बात है? ये बच्ची हुजूर, अब इसका क्या होगा? क्या होगा, कहना क्या चाहते तुम? किसकी बच्ची है ये? आपके टोले कुली बुद्धन की बच्ची। हाँ, बुद्धन आज काम पर क्यों नहीं आया? वो भगवान को प्यारा हो गया सरकार। सरकार वो और उसकी जोड़ू दोनों हैजे के शिकार हो गए। हैजे से मर गए बेचारे। लेकिन तुम उसे यहाँ क्यों ले आए हो? अब तो दुनिया में इसका कोई भी नहीं हुजूर, इसे कौन पालेगा? अगर आपकी दया हो जाए। नहीं, तो नहीं नहीं, इस वक्त मेरे बहुत से मेहमान आ रहे हैं, तुम लोग जाओ। आइए आइए तिहारी। नमस्ते 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 तिहारी जी। तुम लोग अभी तक इस बच्चे को लेकर यहाँ ठहरे हो? क्या बात है चौकीदार, ये किसका बच्चा है? ये अपने ट्रॉली पुली बुद्धन की लड़की है, इसके माँ बाप आज हैजे से मर गए। ले जाओ चौकीदार, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ही का आसरा है माई बाप। ये लो चौकीदार, ये 10 रुपए लो, इसका इंतजाम कहीं और कर देना। इसे कहाँ ले जाए? ये तो बहुत नीच जात की है और इसकी बिरादरी का कोई भी घर इस गाँव में नहीं। दूसरे गाँव में खोजो। खोज तो करूंगा हुजूर, पर तब तक इसे कौन रखेगा? इसके माँ बाप मरे पड़े थे और गीदड़ सियार इसे उठाने की घात लगाए बैठे थे। अचानक मैं वहां पहुंच गया तो बच गई बेचारी। लेकिन इस झंझट में कौन पड़े चारू, इसे ले ही जाए तो अच्छा है। क्या मतलब? इसे गीदड़ सियार ही ले जाए? नहीं, मेरा मतलब है कि आया जी मेरे साथ कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को अपने पास रख सकती हो। क्यों नहीं, नौकर किस बात की? तो ले लो, इसे गर्म पानी से नहलाकर रमा का कोई पुराना फ्रॉक पहना देना और इसे अपने ही कमरे में रख। जी मैम। आपने बड़ी मेहरबानी की मैम, लेकिन इतना सुन लो, इसकी जात बिरादरी किसी आदमी को जल्दी खोज निकाल। जी हुजूर, कुछ ही दिनों की मोहलत चाहिए। सलाम हुजूर। सलाम मैम साहब। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चले, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चले,
दिया तू बहलाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चले हवा धीरे सुजाता? हाँ, वो बुद्धन की बेटी। हाँ, आपने तो हंसी हंसी में उसका नाम संस्कार भी कर डाला। तो नाम खराब रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं, पर बात वही हुई, आंख के अंधे और नाम नए सुख, नीच जाति की लड़की और आपने नाम रख दिया सुजाता। बस यही मुंह तो आ गया और क्या। अरे तानी में कौन है? चारू शायद बुआ जी आई है। बुआ जी? आइए आइए बुआ जी। अरे रे, कूद मत बेटा, पाँव में मोच ऊंच आ जाएगी तो। उपेंद, मेरे ये नाती ने तो नाक में दम कर रखा है, बड़ा ही नटखट है। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। रमा के जन्मदिन पर ना तो आप पधारी ना आपकी कोई चिट्ठी आई। आने की तो पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पंचांग में देखा तो दिशा शुद्ध, फिर रुक गई। इन्होंने कहा कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इनसे मिलो। ये है भवानी शंकर शर्मा, बड़े ही ज्ञानी कथावाचक हैं। जन्म मास में चंडी पाठ कराने से बच्चे का कल्याण होता है, इसीलिए बड़ी मिन्नतों से इनको साथ लेकर आई हूँ। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव, देवी ने मेरा पूर्ण परिचय नहीं दिया। यथार्थ में मैं कथावाचक नहीं, इंग्लिश का अध्यापक। चंडी पाठ अपने मन के तृप्त हेतु तथा ऐसे श्रद्धालुओं के हेतु करता हूँ जो वास्तव में धर्म तत्व के जिज्ञासु है। इधर कुछ दिनों से मेरा शरीर तनिक अस्वस्थ रहता है, जलवायु परिवर्तन करने की इच्छा थी, ठीक ऐसे ही समय इन्होंने आने का अनुरोध किया तो बस मैं यहाँ पहुंचा। ठीक ही तो है, जब तक आपकी इच्छा हो यहाँ ठहरिए। इच्छा तो यही है, यहाँ रहने से मेरी शास्त्र उन्नति तो होगी ही, साथ ही साथ आपकी आत्मोन्नति भी हो जाएगी। अच्छा तो उपेंद्र बाबू, तनिक स्नान आदि की व्यवस्था हो जाए, पद भर की धूल समस्त अच्छा, शरीर पर लिपटी हुई है। महादेव, जल्दी जल्दी इनका नहाने का इंतजाम करो। आइए महाराज। आप जाइए पंडित जी के साथ। चलो चलिए बुआ जी। चलो दिखाओ तो अपनी बिटिया को, क्या नाम रखा है बिटिया का? रमा। रमा, वाह वाह, बड़ा ही सुंदर नाम है। सर ठहरो चारू, एक गंगा जल के कल से पूजा घर में रखा हूं। आओ चारू, बुआ जी को तो जानती हो, जात पात छुआ छूत को लेकर कितना झमेला करती है। ऐसा कह दो उस अछूत लड़की को जरा उठी में रखे, उनके सामने ना पड़ जाए कहीं। आहा, ये है हमारे उपेंद्र की बिटिया। ला तो दे जरा मेरी गोद में। जी जी, ये तो ओहो, माँ से ज्यादा मासी को दर्द है। जी, बड़ी सुंदर, बिल्कुल अपने बाप पर पड़ी है। उपेंद्र, ये तुम्हारी पुत्री तो बहुत बड़ा भाग लेकर आई है। आप उसे आए के पास दे दीजिए ना। बड़ी सुंदर बिटिया है तुम्हारी, इसके ब्याह की तो तुम्हें चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। देखो देखो, मुझे देखकर कैसी हंस रही है, शायद मुझे पहचान गई। ये अंदर कौन रो रहा है? क्या तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं? तुमने तो मुझे लिखा ही नहीं। ये जुड़वा नहीं, वो है हमारी बेटी रमा। तो ये कौन है? इसके माँ बाप अचानक है जिससे मर गए, लेकिन किसी अच्छे खानदान की तो है ना? जी नहीं, अछूत है। अछूत? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कितने बड़े खानदान के बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर मुझे पता होता कि किसी नीच जाति के बच्चे को उठाकर घर में रखे हुए हो तो मैं यहाँ आती नहीं। बुआ
जी, आपने सारी बातें तो सुन ली, अब आप ही बताइए हमारी जगह अगर आप होती तो क्या करती? मैं जिस बात को शुरू से अन्याय मानती चली आई हूँ, आज भी उसे अन्याय ही मानती। लेकिन बुआ जी, मैं आपको किस तरह समझा? उपेन, अंग्रेजी की 4 किताबें पढ़ मुझसे बहस मत करो। हजूर, वो चोटी वाले पंडित जी चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं? पंडित जी, अचानक क्या बात हो गई जो आप चले जा रहे हैं? क्या बात है पंडित जी? अदृष्ट उपेंद्र बाबू, सब अदृष्ट की माया। प्रस्थान करने की इच्छा न होते हुए भी प्रस्थान करना पड़ रहा है। आपकी आया से सुना तथा निजे चक्षुओं से भी देखा कि इस घर में आप एक अछूत बालिका का लालन पालन कर रहे हैं। इसलिए आप यहाँ से चले जा रहे हैं? आश्चर्य करने की तो कोई बात ही नहीं। धर्म कहता है कि अछूतों का केवल स्पर्श ही बुरा नहीं, उन्हें पास रखना भी पाप है। आप विद्वान तथा शिक्षित मनुष्य, आप निश्चय ये जानते होंगे कि विज्ञान ने भी यही सिद्धांत लिखा है। क्या लिखा है? अछूतों के शरीर से एक प्रकार की गैस निकलती है जो कुलीन मनुष्यों के तन, मन तथा आत्मा को दूषित करती रहती है। आपने कभी वो गैस देखी है? भोजन में विटामिन होते हैं, आप जानते हैं। जी हाँ। आपने कभी उन विटामिन को देखा है? नहीं। तो विटामिन का भोजन में होना मिथ्या है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। आप आग्रह कर मुझे यहाँ लाई थी, पर भाग्य मेरा, मैं रह न सका। नमस्कार। हम नाराज होकर सच्ची चले जा रहे हैं। बुआ जी, आप ही उन्हें रोकिए ना। रोकने पर भी वो नहीं रुकेंगे चारू। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण है। तुम्हारा अनाचार मैं तो सह सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए बुआ जी? जितनी जल्दी हो सके इस पाप को दूर करो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ चारू। मेरा क्या है, मैं तो कल ही काशी चली जाऊंगी। आप चुप क्यों हैं? क्या करूं? दिल में डर सा समाता जा रहा है। पंडित जी ने वो गैस का डर दिखाया, उसी का असर है क्या? नहीं नहीं, ठीक ये बात तो नहीं, पर सोचती हूँ कहीं हमारा अमंगल ना हो जाए। अमंगल हमारा नहीं होगा, इन साइंस और धर्म के खिचड़ी वालों का ही होगा। आप हर बात को हंसी में मत उड़ा दिया करें। बुआ जी भी यही चाहती है, इस लड़की को फौरन दूर कर दिया जाए। देखिए, चौकीदार को खबर कर दीजिए, वो इसे ले जाए। अरे, ये सजाता है ना, बड़ी प्यारी बच्ची है। देखो कैसे देख रही है। आया। आपने उसे छुआ क्यों? ओ, उसे छूने से जात चली गई ना, पर अभी नहा जा लूंगा। ना ना, हंसी की बात नहीं, इस तरह धीरे धीरे मुंह बढ़ता जाता है। ओ, ये बात है। तो चारों तुम इस तरफ से निश्चिंत रहो, इंतजाम हो गया है। कैसा इंतजाम? चौकीदार कह रहा था कि सुजाते की बिरादरी का कोई आदमी मिल गया है, खलाकर से ले जाए। चलो, थर्मामीटर है? है, क्यों? आया कह रही है कि उस लड़की को बुखार हो गया है। बुखार? आजकल चारों तरफ बीमारी फैल रही है, देखो तो। कहा, बुखार तो नहीं? लो, छू दिया ना तुमने, अब नहाना पड़ेगा। ओ, तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे। चल, इसमें तुम्हारा या मेरा किसी का भी दोष नहीं। कोई जानवर ही पाल ले तो उससे भी थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, और ये तो फिर बेचारी आदमी की औलाद है। चारू, चौकीदार सुजाता को ले जाने के लिए किसी आदमी को ले आया है। हजूर, सलाम हजूर। वो
उद्धन की लड़की को ले जाने के लिए उसकी बिरादरी का एक आदमी ढूंढ लाया हूँ माई बाप। मुझे क्या कहते हो, आया सका हूं? जी माई बाप। आया? ओ आया, उस बच्चे को लेके आ। ले ले रहे इस छोकरी को। सिर्फ छोकरी को लेके क्या करूंगा मैं, है? जो बात हुई थी ना पूरी याद है तुझे? हाँ तो पहले पैसे दिलवा, कम्बल दिलवा और कपड़े भी मिलने चाहिए। ऐसे फोकट में मैं इस लड़की को क्यों साथ ले जाऊंगा? अबे मुझे तूने बुद्धू समझ रखा है? जैसे शराब की रखी क्या जी? अबे डर का कुआं कैसे पिए? पिए तो अपने पैसे की पिए। पूरा माल लिए बिना मैं इस मुसीबत को गले क्यों बांध लूं? आए निकाल दो इस शराबी को धक्के मार के बाहर। तुमने ठीक कहा, चलो ले जा। पहले खुद आदमी बन फिर किसी के बच्चे की जिम्मेदारी लेना। पैसे मिलेंगे तो शराब भी उड़ा देना। चौकीदार निकाल दो, निकाल दो। बच्चे को अंदर ले जाए। ठीक ही हुआ चारू, जिस तिस के हाथों तो बच्ची को नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसे जल्दी ही किसी के सुपुर्द कर दे तो अच्छा हो। अभी तो ये नादान है, पर बड़ी हो जाएगी तब। ना ना ना, इस मोह ममता में न पड़ना ही अच्छा है। इतने दिन उसे हम रखेंगे कहाँ? कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ से बदली होने वाली है, बस वहां जाके कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लिया जाएगा। क्यों? तुम्हें अम्मी और मुझे बापू कहना सुजाता को आया नहीं सिखाया शायद। और नहीं तो क्या, वरना वो भी रमा की तरह हमें पिताजी और माँ कह के पुकारती। मैं तेरे साथ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। मत बोल, मत बोल, मत बोल। मैं बड़ी बोलने वाली। तेरी तो माँ नहीं है, तेरी अम्मी नहीं है, तेरे पिताजी नहीं है, तेरे बापू नहीं है। देखो आपने तो कहा था यहाँ आते ही सुजाता को किसी के हवाले कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए, अभी तक सुजाता। कोशिश तो हमने बहुत की चारू, पराई लड़की है, किसी ऐसे वैसे के गले बांध देना ना तो तुम्हें पसंद होगा ना मुझे। वो तो ठीक है। अच्छा उसे किसी अनाथ आश्रम में नहीं भेज सकते? सुजाता अभी से हर बात में रमा की बराबरी करने लगी है, बड़ी हो जाएगी तो और भी झंझट उठ खड़े होंगे। अच्छा पता करूंगा किसी अनाथ आश्रम का। और रमा के पढ़ाई के लिए? हाँ एक मास्टर से बातचीत कर ली है, कल से आएगा पढ़ाने। पिताजी, वो हलवा खाएगी बेटी? ये ले, ये ले। तू क्या खा रही है? हलवा? क्या हलवा? पिताजी ने मिला है। रमा से हर वक्त झगड़ा करती रहती है, आया कहती थी, कभी कभी वो उसे मारती भी है। ओहो आखिर बचपना ही तो है। बापू मेरा हलवा। आजा आजा। उस चम्मच से मत खाइए। क्यों? आप छुआछूत नहीं मानते तो क्या उसका झूठा भी खाएंगे? ये पत्ता ले, इसे पूरी बन जाएगी ना? हाँ बन जाएगी। पर रमा देखो
किताब, नई स्लेट। तुम्हारे मास्टर जी आए हैं, चलो पढ़ने के लिए। मेरी किताब कहाँ है? मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं, तुम खेलो। किताब क्यों उठा रही सुजाता? मैं पढ़ूंगी। मत छू इन किताबों को, बापू तेरे बिगड़ेंगे। मुझे एक किताब दो ना, मैं भी पढ़ूंगी। किताब? हमारे पास तो कोनो किताब नहीं है। क्या क्यों तुम हर रात पढ़ते हो? वो देखो बोरिंग। वो तो रामायण वा बेटा। मैं रामायण नहीं पढ़ूंगी। बैठो बेटे, हम तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। बैठ बैठ। मास्टर जी मैं भी पढ़ूंगी, ये रही मेरी किताब। तुम इतनी मोटी किताब पढ़ोगी? चलो सुजाता तुम यहाँ नहीं बैठोगी। जरा पास में सुनिए। देखो बाबूजी, मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। भाई तुम जाओ यहाँ से, जब तू भी पढ़। किसकी चिट्ठी है? चारू, वो जो अनाथ आश्रम को मैंने चिट्ठी लिखी थी ना, उसका जवाब आ गया। वो लोग सुजाता को रखने के लिए राजी हैं। काफी अच्छा नाम है उस आश्रम का, सुजाता को वहां कोई तकलीफ नहीं। ठीक ही तो है, कुछ एक रोज की छुट्टी लेकर आप उसे वहां भर्ती कराइए। मैं? नहीं नहीं, मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं, और फिर छुट्टी मिलनी भी मुश्किल है। तो फिर अच्छा मास्टर जी से पूछिए ना, अगर वो अच्छा मैं पूछ देती हूँ। जी मैं सब कुछ समझ गया, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं उसे पहुंचा आऊंगा। देखिए मास्टर जी, आप आश्रम के मैनेजर से खुद मिलकर उसे ताकीद कर दीजिएगा कि सुजाता को तकलीफ ना हो। पैसे भी कोई बात नहीं, जितना भी खर्च होगा मैं करूंगा। जी अच्छा। मास्टर जी आपसे बात कहनी है। जी कहिए। सुजाता को हमसे बहुत ही लगाव हो चुका है, आप जरा उसे बहला फुसला कर ले जाइएगा, कहीं वो ये न जान जाए उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। बहुत अच्छा। सचमुच मास्टर जी? हाँ बेटे, दूर बहुत दूर, जहाँ जमीन आसमान आपस में मिलते हैं ना, उससे भी आगे है वो सपनों सा सुंदर देश। जिधर देखोगी हैरान रह जाओगी। वहाँ चांदी के पेड़ों पर सोने के पत्ते होते हैं, जिन पर काट ठोकड़ा पंछी चोंच मार मार कर खेलता है। उस देश में? हाँ मैं जाऊंगी, रमा को भी साथ ले चलूंगी। नहीं बेटे, पहले तुम अकेले ही चलना, फिर लौटकर वहां की बातें सुनाकर सबको हैरान कर देना, फिर रमा को भी ले चलेंगे। अच्छा। सुनो बेटे सुनो, देखो कल शाम 5 बजे तुम एकदम तैयार रहना, है? किसको बताना नहीं, मैं मोटर लेकर आऊंगा तुम्हें जाने के लिए। अच्छा। चारू, मास्टर जी ने बताया सुजाता उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई है, वो आज ही शाम को 5 बजे से ले जाएंगे, तुम उसे तैयार करवा देना। अब देखो मुझे आज ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मैं शायद देर से आऊंगा। आप रोज ले जाते हैं, आज क्यों भूल गए? अगर मुझे भी नहीं याद रहता
तो आपको धूप में तकलीफ होती ना? हाँ सुजाता। सुजाता बेटी तैयार हो गई? हाँ मास्टर जी। आओ। मास्टर जी बापू नहीं चलेंगे? नहीं। और अम्मी? वो भी नहीं। तो फिर मैं भी नहीं। अरे अरे बेटे सुनो तो सही, एक बात तो सुनो, तुम्हारे बापू अम्मी रमा ये तो सब पहले ही जा चुके हैं, उन्होंने तो मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। हाँ। तो फिर मैं भी चलूंगी। अम्मी, अम्मी। परियों के देश में बढ़िया बढ़िया मिठाइयां, सुंदर सुंदर गुड़िया और अरे सुनो सुजाता ले जा रहे थे और मैं उनसे कभी नहीं पढ़ूंगी। तुम रो रही होगी, मत रो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। सुजाता को शायद पता चल गया था। हाँ वो जा रही थी तो मैंने उसे देखना चाहा, खिड़की खोल दी गलती से। तुम उसे गलती क्यों कहती हो चारू? कुछ भी हो आखिर तुम माँ, भगवान की शायद यही इच्छा है। इससे पहले भी तो दो एक बार सुजाता को घर से निकाल देने की कोशिश हमने की थी, पर सब बेसुध। जब वो इसी घर को अपना समझे बैठी है फिर यही रहे, भगवान की आशीर्वाद से बड़ी हो जाए तब कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अच्छा सुनो तो, तुम तो सुनते ही बिगड़ उठोगी, इस बार फिर से तबादले का हुक्म आ गया। आपके कौन से जंगल में जाना पड़ेगा? बहुत दूर देहरादून, तुम तैयारी शुरू कर दो। यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं देता है। कितने साल हो गए जब बुआ जी से मिले थे, आज बिना इतला दिए ही आए हैं, न जाने वो पहचानेंगे भी या नहीं। क्यों पहचानेंगे क्यों नहीं? रंग करो कल्याण,
आरोग्यम धन संपदा शत्रु मुक्ति विनाशाय ओम शांति शांति शांति। आपकी तारीफ मुझे नहीं पहचाना, आप एक बार हमारे यहाँ आए थे। खैरियत, आजकल सुनाई जरा कम देता है, मैं जरा चश्मा लगा लूं। याद नहीं आप एक बार मधुपुर आए थे? जी कहाँ, जबलपुर? नहीं नहीं नहीं, मधुपुर मधुपुर। ओ मधुपुर मधुपुर। उपेंद्र, चारू, जीते रहो सुखी रहो, बहुत दिन बाद बुआ की याद आई तुम लोगों को। आओ चलो ऊपर चले। अभी तक उस नीच जाति के अछूत लड़के को तुमने घर से नहीं निकाला, यहाँ तक लाज लाए हो। उसे फेंक कहा देते बुआ जी, अब तो हमारी घर की लड़की सी ही हो गई। ऐसी बात जबान पर मत लाओ, कितना बड़ा खानदान है तुम्हारा, कितने बड़े वंश के हो तुम। क्या करते बुआ जी, लाचारी ही समझ लीजिए इस मामले में। वाह, ये भी कोई बात हुई, अभी तक तो तुम जंगलों पहाड़ों में ही घूमते रहे जहाँ के कोई कहने सुनने वाला नहीं था, लेकिन बेटा अब तो तुम अपनी बिरादरी में समाज में आ गए हो, समाज के कायदे कानून को तो मानना ही पड़ेगा। उस अछूत लड़की को घर में रखोगे तो तुम्हारी अपनी बेटी रमा के शादी में कोई अड़चन खड़ी हो सकती है। ये खटका तो मेरे मन में भी उठा था बुआ जी, लेकिन करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं नहीं चारू, बुआ जी अधीर कहाँ है, उसे नहीं देखा अभी तक, घर में नहीं है क्या? क्या बताऊं उपेंद्र, सुबह ही सुबह किसी बाहर की लाइब्रेरी में पढ़ने गया है। कितनी बड़ी लाइब्रेरी घर में बना रखी है पर उसे पूरी नहीं पढ़ती, एमए पास करने के बाद भी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई। पढ़ाई भी क्या कभी खत्म होती है बुआ जी? अच्छा तब आज्ञा दीजिए। जी अच्छा। क्या रानी, सुजाता बिटिया कहाँ है? इसमें बजे कितने हैं? हमका घड़ी दिखा जानी। 4:30, तब तो फिर वो छत पे होगी कपड़े समेटते हुए। सुजाता बिटिया, क्या है महादेव भैया? चाय के टाइम हो गए ना, तो महाराजन से कह दो कि अंगीठी पे पानी रख दे, मैं अभी आई। चीनी जो पुरा गई है खरीद लाए? नहीं भैया, मैंने बसंत को कब से बाजार भेजा है, बस आता ही होगा। मजाल है बिटिया की निगाहों से कोई वस्तु वोट हो जाए। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन
बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। रमा की शादी में अगर सुजाता के कारण सचमुच कोई दिक्कत खड़ी हुई, तुम भी बस इसमें चिंता की क्या बात है? आप तो हर बात मजाक में टाल देते हैं। पास पड़ोसी नाते रिश्तेदार जब आकर पूछेंगे कि सुजाता हमारी कौन है, तब कुछ एक पड़ोसी पूछ भी चुके हैं सुजाता के बारे में। ए सुजाता सुन, पहले दीदी कैसे पुकार फिर सब सुनूंगी। अच्छा बाबा जी, अब बोल क्या है? ये तो बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मुझे बुलाया था। एक और काम। ये क्या जान है? कंजू ने मुझे मारा था। अच्छा जरा सब्र तो कर, पहले बापू को चाय दे, फिर मजा चखाती हूँ तुझे। शादी तो कर देते, पर आजकल के जमाने में इस अनपढ़ गंवार लड़के से शादी करेगा कौन? अनपढ़ गंवार अगर हुआ है तो इसके जिम्मेदार हम ही है। चाय का वक्त हो गया। सुजाता तू तो इस घर की घड़ी है। बापू आज अम्मी ने कितना स्वाद केक बनाया है। मैंने नहीं, तूने ही तो बनाया है। वाह तुम न बताती रहती तो ऐसा बनता मुझसे। रहने दे सुजाता, मैं बना लूंगी। अच्छा चारू, ये नारी कल्याण आश्रम आश्रम होते हैं ना, उनमें से किसी एक की मदद लेने से क्या अच्छा सा लड़का नहीं मिल सकता? चाहे किसी भी जात का हो, पर वो थोड़ा पढ़ा लिखा और कोई नौकरी धंधा या दुकानदारी ही करता हूँ। मिलेगा क्यों नहीं, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। अच्छा अगर हम अच्छा सा दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सुजाता जैसी लड़की के साथ कोई भी शादी करने को तैयार हो जाएगा। सुनिए 8 नंबर का बंगला यही है क्या? जी यही है 8 नंबर। जी मुझे उपेन बाबू से। नहीं उपेन जी, मैंने पहचाना नहीं था। तुम मुझे नहीं पहचान सकते। चारू बेटी है घर में? मैं उसका मामा हूँ। आइए आइए आइए। अरे मामा जी आप आइए आइए। अरे चारू बेटी अच्छी तो हो तुम। अरे भाई वाह वाह, हमारे आने तो पहले चाय तैयार कर रखी है। अरे चारू तुम्हारे बच्चे कहाँ है सब? भगवान ने एक ही बेटी दी है मामा। अरे तू बुलाओ बुलाओ ना, मैं भी जरा अपनी आगे डंडी कर लूं। रमा बेटी मैं जरा जल्दी में हूँ, इधर से गुजर रहा था, पर तुम्हें मिले बिना कैसे जा सकता हूँ। ओह तो ये है तुम्हारी बेटी, वाह वाह वाह, कैसे साक्षात माँ लक्ष्मी। हाय माँ, ये है मेरी बेटी रमा, ये सुजाता हमारी बेटी है। बार कह दिया ना नहीं, चलो सीधी तरह से। छोड़ दो मेरा सगिया, छोड़ दो। भला रामा ही रोज रोज अम्मी के पास क्यों सोया करेगी? रामा की नकल तुम्हें नहीं सुहाती? क्यों? रामा है अम्मी की बेटी। और मैं भी तो अम्मी की बेटी हूँ। नहीं तुम अम्मी की बेटी नहीं हो। हट झूठी कही थी, मैं अम्मी ही की बेटी हूँ। जरा पूछ के देख, अम्मी अम्मी अम्मी। अकेले रामा ही तुम्हारी बेटी है क्या? बोलो ना अम्मी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं ना। तो मेरी बेटी जैसी है। अरे
पढ़ रहा है, गिर जाएगा तो? ओ नानी, जरा ये किताबें तो पकड़ो। अरे कितने भारी है बाबा। भारी नहीं होंगी, मालूम है कितना ज्ञान भरा है इनमें। ठहरो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। रहने दे रहने दे, मैं ये सब क्या समझूंगी, मैं तो अपनी कहने आई हूँ बाबा। शादी की बात ना। इतना समझदार है तो बस कह दिया ना, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो मैं भी बैंक का सारा डिपॉजिट, कंपनी के सारे शेयर किसी अस्पताल के नाम लिखवा दूंगा। मैं तुम्हें लिखने ही नहीं दूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा और तुम्हारी सारी जायदाद भी हड़प कर लूंगा। मैं तुझे तो कुछ नहीं दूंगी, अगर दिया तो तेरी बहू को दूंगी। अरे बाप रे, फिर तो मैं शादी किसी सूरत में भी नहीं करूंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मैं इसमें कोई दूसरा हिस्सेदार क्यों ना हूं? पगला कहीं का। ऐसा भी कहीं होता है। मैं आज उपेंद्र के यहाँ जा रही हूँ, तू भी संग चल मेरे। नहीं बाबा, मुझे बहुत काम है। तुझे तो सदा ही काम रहता है, पर दुनियादारी भी तो कोई चीज है। वो बेचारे दो बार यहाँ आकर गए हैं, तुझे एक आध बार तो जाना चाहिए। आज तो मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगी। नानी, मुझे वहां ले जाने की आखिर इतनी जिद क्यों? उनके यहाँ शादी की उम्मीदवार कोई लड़की तो नहीं? हो भी तो तुझे क्या डर, तूने तो शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ही ली है। अच्छा तो चलूंगा, लेकिन इस वक्त रामू के हाथ जरा नाश्ता भिजवा दो, बहुत भूख लगी है। अभी भिजवाती है। ये रमा कहाँ है गई? बागीचे में टहल रही है, आती ही होगी। जानती है सुजाता, यहाँ गांधी घाट के करीब रहने का एक फायदा हमें जरूर है। शाम को थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है और यहाँ मन को कितनी शांति भी मिलती है। हाँ बाबू, मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लगती है। दीदी, ऐ दीदी, जरा सुनो तो। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ दंगा करना नहीं चाहती। तो क्या यहाँ भी आकर बुढ़िया की तरह बैठी रहोगी? पिताजी, आप डांटिए इसे, डांटिए ना। आजकल आप इसे कुछ नहीं कहते। क्यूरी, आप क्यों हंसी? वो कहाँ हंस रही थी, हंस तो मैं रहा था। नहीं नहीं पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है मुझे बाकर हंसते हुए। अच्छा अच्छा, रहने दे, अब झगड़ा मत कर, चलो अब घर लौट जा। ऐसी चल रही से देखे पहले कौन भागता है, तू क्या करेगी मेरा मुकाबला। आप? जी, मैं अधीर हूं। जी, आप अधीर क्यों हैं जी? मेरा नाम अधीर है, मेरी नानी श्याम बाजार। ओ, तो आप ही हमारी श्याम बाजार वाली बुआ जी के फेमस नाती अधीर बाबू हैं। हम विराजिए विराजिए। आप शायद इसी घर की? जी नहीं, हम तो पड़ोसी आई हूँ। ओ, तो फिर खड़ी क्यों है आप? बिराजिए बिराजिए, अपने घर समझिए से। जी जी बुआ जी, आप चलिए, मैं आता हूँ। क्यों बेटा, रमा से जान पहचान हो चुकी? बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये नहीं समझ सका कि इन दोनों में रमा कौन है। ये है मेरी बेटी रमा, इस साल बीए कर रही है, डिबेटिंग में तो कई नाम जीत चुकी है माँ। और वो? वो सुजाता है, हमारी बेटी है। मेरी रमा सिर्फ लिखाई पढ़ाई में नहीं, घर के कामकाज में भी बहुत अच्छी है माँ। खेलों में तो इसे कितने ही कप मिले, देखिए ना अलमारी भरी पड़ी है। और बेटा, इसके गाने की तो सभी तारीफ करते हैं। अब इसका जन्मदिन आने ही वाला है, उस रोज तुम जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आएगा जरूर आएगा। जन्मदिन पर ही क्यों, अब तो जान पहचान हो गई है, वक्त मिला तो आया करो। तुम तो हमारे अपने ही हो बेटा। तुम बैठ के बातें करो, मैं देखती हूँ बेरा अभी तक चाय क्यों नहीं लाया।
ये क्या, तू क्यों चाय लेकर आई? मैंने तो महाजन से कहा था। क्यों अम्मी, मैं ले आई तो क्या? न बुआ जी पियेंगी और न अधीर को पीने देंगी। जा महादेव से कह दोबारा चाय बना कर लाए। दोबारा? लेकिन क्यों? बहस मत कर, जा जल्दी। आओ आओ उपेन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो। ये है मेरा अधीर, प्रणाम करो बेटा। बस बस बेटा, खुश रहो, बैठो बैठो। बहुत छोटा था ये जब मैंने इसे देखा था, और अब तो मुझसे भी लंबा हो गया है। कहो क्या हो रहा है आजकल? जी रिसर्च कर रहा हूँ, डॉक्टरेट के लिए। जी तुम्हारा रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है? ओहो उपेन, तुम भी क्या पढ़ाई की नीरस बातें लेकर बैठ गए हैं। इससे तो अच्छा है बेटी रमा तुम्हें गाना ही सुना। गाना क्यों बुआ जी? क्यों क्या, अरे तुम्हारे गाने की सभी तारीफ करते हैं, जरा हम भी तो सुने। हाँ हाँ बेटी, गाते ना वही जिस पर कॉलेज में तुम्हें सोने का मेडल मिला था। आज मेरा गला बहुत खराब है। लेकिन आपकी आवाज से तो ऐसा नहीं लगता। लीजिए मेरे गाने से भी मीठी चीज आ गई, पहले चाय पीजिए उसके बाद कुछ और। देखा बेटा रमा बातों में कितनी तेज है। अधीर बेटा वक्त निकाल कर कभी कभी इधर जरूर आया था। हाँ हाँ जरूर आएगा जरूर आएगा। अच्छा आप यहाँ क्यों बैठ गए? बारिश होने वाली है, अंदर चलिए। देखो चारू, चाय की बात को इतना तूल देकर सुजाता के मन को दुख पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ही कहाँ अच्छा लगा, आप तो बुआ जी की छुआछूत के विचारों को जानती हैं। अगर सुजाता चाय लाती तो ना तो खुद बुआ जी पीती ना अधीर को पीने देती। अम्मी मैं कौन? आज अचानक ये बात क्यों पूछ रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन, क्यों, किस लिए? महादेव के हाथ की चाय वो लोग खुशी से पी गए, लेकिन मेरे हाथ की चाय क्यों न पीते? क्या मेरे छूने से चाय जहर बन जाती? सुजाता दिमाग में चाट मेरा, मुझे फुर्सत है। अम्मी आज तुम्हें बताना ही होगा। दिख लेकर सुजाता, बिना जाने नहीं छोड़ूंगी। बताओ तेरी ये मजा, कुछ क्या पूछना चाहती है? मैं कौन हूँ? तू अछूत है। अछूत? हाँ एकदम नीची जात, तेरे हाथ का छुआ खाना तो क्या, तेरी परछाई तक से लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं इतनी नीच जात किस लिए हूँ? तेरा जन्म नीच जात में हूँ, तेरे माँ बाप अछूत थे इसलिए। कहाँ है मेरे वो अछूत माँ बाप? वो नहीं है इस दुनिया में, नहीं है। अगर होते तो इस तरह हम पर बोझ बनकर। Thank you.
बुद्धि से आत्महत्या करके कभी नहीं, आवश्यकता हो तो जिंदा रहने के लिए मरे। कौन? ये अखबार का बिल। ठहरो भाई, पैसे ला रही हूँ। सुजाता, देख तो अपनी अम्मी को गलत ना समझ बैठी हो, दरअसल वो बहुत ही। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं क्यों समझती नहीं? मेरी चादर तो ला दे सुजाता, मुझे जरा बाहर जाना है। लाई बापू। इतनी तेज धूप है, छाता लेते जाइए। लेकिन हमने तो देख लिया। आइए आइए। ओहो, तो आज गोया फेमस नाती साहब अकेले ही पधारे हैं? जी नहीं, नानी जी भी आई हैं, लेकिन वो आपकी माता जी से बातें कर रही हैं। बैठिए। ओहो खेलिए। देखिए, आप मुझे इस तरह परेशान करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर सुनिए तो, उल्टा आप ही तो मुझे परेशान कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, मुझे कोई आप कहकर पुकारे तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा जी। लेकिन आप इसके सफे उल्टी, मैं तब तक चाय के लिए कहकर आती। चंद्र मलिका, लेखिका रमा देवी। ठीक, इसे मत पढ़िए, बिल्कुल बेहूदा है। पहले पढ़ लूं फिर राय दूंगा। हाँ, मेरे मन ओ मन मेरे, तुम नव वसंत के फूल रहो, इन भ्रमरों से मुख फेरे, ये सब के सब रस। इसे मत पढ़िए, मुझे शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात है, अच्छी खासी तो है। अच्छा रमा, उस दिन तुम्हारे साथ कौन थी? मेरी दीदी। तुम्हारी दीदी? लेकिन तुम्हारी माँ तो? माँ की बात छोड़िए, वो तो हमेशा ऐसे ही कहा करती। अच्छा अजीत बाबू, आप कविता नहीं लिखते? लिखता नहीं, पढ़ता हूँ। रमा, तुम्हारी दीदी दिखाई नहीं देती, कहीं बाहर भी नहीं क्या? हैं तो वो घर ही पे, लेकिन उन्हें देख पाना कोई आसान काम नहीं। वो कभी एक मिनट भी खाली नहीं बैठती, सुबह से शाम तक घड़ी के मुताबिक काम करती। घड़ी के मुताबिक? नहीं समझी ना। सुनिए, सुबह 8 बजे खड़ी रसोई घर में देखभाल कर रही है, 10 बजे बैठी भंडार घर में लिस्ट बना रही है, 10:30 बजे महादेव को पैसे देकर बाजार भेजने की जल्दी में है, और दोपहर के 3 बजे बाजार से लाए हुए सामान को संभालने में लगी, और 4:30 बजे उनके दर्शन छत पर हो सकते हैं, धूप में डाले कपड़े समेटे हुए, और 5 बजे फिर चाय की तैयारी में जुटी है। और इस वक्त? इस वक्त कितने बजे हैं? 6। चलिए मैं आपको उनके दर्शन कराऊं। कहाँ? चलिए ना। उस दिन कितनी मिन्नत खुशामद से आधीर को मैं यहाँ लेकर आई थी चारू, और आज तो कॉलेज से आते ही कहने लगा, नानी ओपन बाबू के घर चलो ना। देखो देखो कितनी हंसी खुशी जा रहे हैं, लच्छन बड़े अच्छे हैं चारू।
राधे बाबू, ये बगीचा और जितने भी फूल आप देख रहे हैं ना, ये सब दीदी की करामत है। इसके हाथ में तो जादू है जादू। मैं तो कविता में चंद्रमल्लिका लिखती हूँ ना, सिर्फ ख्याली, और दीदी सच में चंद्रमल्लिका खिला देती है। सुजाता, तुम क्या कविता नहीं लिखती? दीदी तो रमा, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ सुजाता, तुमने बीए में कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं? तू किससे लिखने पढ़ने की बातें कर रहा है बेटे? इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। ये क्या जाने बीए क्या होता है? दीदी कॉलेज में नहीं गई तो क्या हुआ, लेकिन लिखना पढ़ना जरूर जानती है। कैसा पढ़ लेना कोई पढ़ाई होती है, इतना तो हमारी नौकरानी भी जानती है। नानी, तुमने तो कहा था कि आज जल्दी घर लौटना पड़ेगा, कोई जरूरी काम है, तो फिर चलो, काफी देर हो गई। अच्छा तो गाड़ी में बैठ जाकर मैं जरा चारों से मिला हूं। जो फ्रेंड, क्या हुआ? ओ निर्मल, इसके बारे में सोच रहे हैं? अपने ही बारे में। हाथों में तेरे अब भी दामन है उंगली का, वहशत ये तुझे देखे पहुंचाए कहां? अरे नहीं भाई, मैं तो अपनी ही उलझन सुलझा रहा था। चलो तुम्हारी बात ही मान ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिनों के बाद अब तुम्हारी जिंदगी में भी उलझन आ ही गई। गुड, वेरी गुड। अरे अधीर बाबू, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि आज आप फिर इधर पधारेंगे। क्यों, कोई गलती तो नहीं की आकर? हाँ जरूर की। अगर इसी तरह की गलती आप हर रोज करें तो एक्सलेंट, मार्वेलस। अरे यहीं खड़े रहने की कसम खाई है क्या? चलिए अंदर चलिए। चलो अधीर बाबू, हमने कॉलेज में एक बैडमिंटन क्लब शुरू किया, उसमें दो पार्टीज हो गई। एक का कहना है कि क्लब सिर्फ लड़कियों का है, उसमें मर्दों को मेंबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। बेचारे मर्दों पर भी तरस खाना चाहिए, क्यों, क्या ख्याल है? कहाँ क्या देख रहे हैं? अच्छा रमा, इस वक्त 6 बजे हैं, तो तुम्हारी दीदी जरूर बागवानी कर रही होंगी। कौन सी जाता? हाँ वो बागीचे में होगी, जाइए मिलाइए, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वाह, कहाँ था ना हमारे मैच में। रमा शायद अपने कमरे में पढ़ रही है। नहीं, मैं अभी उससे मिलकर आया, वो खेलने गई है। सुजाता, इस बागीचे में तुम बहुत ही खिल उठती हो, जानती हो तुम में सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण? हाँ, तुम में सबसे बड़ा गुण यही है सुजाता, कि तुम में कोई गुण नहीं। बुआ जी कैसी हैं? मेरी बात का यही जवाब है क्या? तो फिर क्या कहूं बताइए। मुझ में क्या गुण है यही बता सकती हो? आप में तो ढेरों गुण भरे पड़े हैं, उन सब का बखान करने की शक्ति मुझ में नहीं। अच्छा तो मुझ में दोष क्या है यही बता दो। दोष? हाँ, मेरा सबसे बड़ा दोष। मैं नहीं जानती, समझ भी नहीं सकती। सच नहीं समझ सकती? मेरा सबसे बड़ा दोष है सिर्फ तुम्हें देखने के लिए यहां चले आना। अम्मी अंदर है, आप मिलेंगे नहीं? चलो मिल लें। अम्मी, अधीर बाबू आए हैं। अधीर आओ बेटा आओ।
रमा? रमा तो खेलने गई है। तो उसे शायद तुम्हारे आने का पता ही ना हो। जी नहीं, वो मुझसे मिलकर ही गई है। तुम्हें यहाँ छोड़कर खेलने चली गई? खेलना क्या इतना जरूरी था? तुम कुछ ख्याल न करना बेटा। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा अंदर चली जा। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय ला दूँ। जी नहीं, चाय के लिए तकलीफ न कीजिए। मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। अच्छा, ये क्या बेटा, अभी अभी तो आए हो? ये फिर किसी दिन आऊंगा। अच्छा, जरूर आना बेटा। इतनी देर क्यों हो गई? ओ, हमारे कॉलेज में ड्रामा का रिहर्सल था ना माँ, इसलिए। ठीक है, पर मैं पूछती हूँ तेरा बचपना कब जाएगा? क्यों, क्या हुआ माँ? आज शाम को अधीर यहाँ आया और तू उसे छोड़कर ही चली गई। खेलने का वक्त जो हो गया था। क्या खेली तेरे लिए सब कुछ है? तमीज भी कुछ होती है। तेरे चले जाने से अधीर को कितना बुरा लगा होगा। देखो माँ, अधीर बाबू को क्या अच्छा लगता क्या बुरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा इम्तिहान करना है और तू किताब ही आराम से पढ़ी सो रही है। सो रही हूँ मेरी मर्जी। तुझे क्या? क्यों, दिल नहीं होते? नहीं, अगर फिर बढ़ते वक्त सोएगी तो ठंडा पानी उड़ा लूंगी। इससे पहले मैं ठंडी चाय उड़ा लूंगी। उपेन बाबू घर में है? जी हाँ है, आप बैठिए मैं भी भेजती। नमस्कार उपेन बाबू, कहिए क्या हाल चाल है? नमस्कार मास्टर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने कन्या के विवाह के बारे में अखबार में जो इश्तेहार दिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। देखो उपेन बाबू, मेरा लड़का कुंवारा है, सिर्फ यही बात मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाए। आप जैसे शरीफ आदमी के साथ एक नाता जुड़े, एक नई रिश्तेदारी बने, इसी लोभ से मैं यहाँ चला। तो यूँ कहिए कि भगवान ने ही हमारे सौभाग्य से आप यहाँ। अच्छा, तो आपकी मांग, मेरा मतलब है
कुछ नहीं कुछ नहीं, इन सब बातों में तो मैं बहुत लिबरल हूँ। दान दहेज के बारे में मेरी कोई भी मांग नहीं। साहब दहेज मांगना तो कमीनापन है। आगे आपकी जैसी इच्छा होगी दे दीजिएगा, मैं ले लूंगा, खुशी से ले लूंगा। आपके ख्याल बहुत ही नेक। अजी साहब इन्हीं सब बातों से तो हमारा समाज पाताल में चला जा रहा है। रुपए पैसों को मैं असली चीज नहीं मानता, असली चीज है आदमी की शराफत, कल्चर, उसकी लियाकत। वंश ही बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात है आदमी। अगर आदमी अच्छा नहीं हुआ तो वंश लेके क्या करूंगा बताइए, चाटूंगा। ए राम, कब हमारा समाज सुधरेगा? आप जैसे सुधरे विचारों वाले सज्जन ही समाज को सुधार सकते हैं। अच्छा तो आपके सपूत राजीव क्या करते हैं? देखो भाई, मेरा लड़का तो है बीए पास, देखने सुनने में भी निहायत अच्छा है, लेकिन है बड़ा आजाद तबीयत का, नौकरी चाकरी करना नहीं चाहता, बिजनेस करना चाहता है। और आप तो जानते हैं बिजनेस में जरा सरमाए की जरूरत होती है, और आजकल ये कंपटीशन का जमाना। आप उस बात की चिंता मत कीजिए, मैं बिजनेस में उसकी पूरी तरह से मदद करूंगा। आपसे तो भैया यही आशा थी मुझे, और फिर आपकी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। कन्या मेरी बेटी नहीं है, है? बेटी जैसी ही समझ लीजिए। ओह अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके किसी रिश्तेदार की ही तो बेटी होगी। जी नहीं। तो देखिए आप जैसे महान विचारों वाले आदमी को सब कुछ साफ साफ बता देना ठीक है। दरअसल लड़की जात की अछूत है, है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। आप जैसे सुलझे हुए विचार दीजिए, अगर ये पता चलता कि लड़की कानी है या लूली है तो भी मैं एक बार सोच देखता। खबरदार आइंदा लोगों को ठगने के लिए अखबारों में इश्तेहारबाजी मत करना, समझे? नमस्ते। तुमने सुन लिया उन साहब की बातें? आइए आइए बुआ जी, आइए। आओ बेटा। रमा कहाँ है चारू? आइए बुआ। अरे बाप रे। अरे ये देखिए रमा, ले बेटी। रमा पैर छू बुआ जी। अरे पहले देवेन। जुग जुग जो बेटी, जुग जुग जो। ले ये जरा पहनकर तो दिखा। अधीर कहता था ये तुझसे बहुत जचेगा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। सुंदर लग रही है ना? ऐ दीदी चलो हमारी। सचमुच रमा बहुत खिल रहा है तुझे। आइए मिसेस गुप्ता। वाह वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे चांद का टुकड़ा। वो बेटी नहीं, नहीं मिसेस गुप्ता आप भूल कर रही, हमारी बेटी रमा तो उधर है। तो ये? ये है सुजाता, हमारी बेटी जैसी। चलिए चंदन सिंह। देखो चार, सुजाता जब तक इस घर में है रमा और आदित्य के पिता का वचन मैं नहीं दे सकता। आप तो जानती हैं बुआ जी, हम जी जान से इसी कोशिश में लगे हैं। बस तुम्हारी भी वही बात, सुजाता के लिए कोई शरीफ घर का लड़का ढूंढा जा रहा है। अरे छोड़ो भी, छोटी जात में सब चलता है, तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं ही अपने ड्राइवर से कह के उसके लिए कोई एक लड़का ढूंढवाती। क्या है मासी? नो रमा, तुम्हारे कॉलेज की सखियां सब इस बात पर तुली बैठी हैं कि आज तुम्हारा गाना जरूर सुनेंगे। अरे वाह, आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं खुद ही क्यों गाऊंगी? नींद आ गई। अच्छा मैं ही गाती हूँ, गाना तो बजाओ। मंजूर है। Tum 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 tum.
औरत रमा को गोद में बिठा कर क्यों खिला रही हो? इसे सजाया क्यों है? आज मेरा जन्मदिन है ना? आया जी, लो इसका मुंह साफ कर। मेरा भी जन्मदिन करो ना अम्मी, मेरा भी जन्मदिन कर दो ना अम्मी, मैं भी रमा जैसी चलूंगी। अम्मी मेरा भी जन्मदिन करो अम्मी, मैं भी रमा जैसे तुम्हारी गोद में बैठकर खीर खाऊंगी। अम्मी अम्मी आया ले जाओ उसे, मैं परेशान कर रही हूं। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। कोई शैतान कहेगी तुझे कमरे में बंद कर दीजिए। अम्मी मेरा भी जन्मदिन कर दो, अम्मी मेरा भी जन्मदिन करो, अम्मी अम्मी जन्मदिन मेरा भी करो अम्मी, अम्मी अम्मी मेरा भी जन्मदिन करो अम्मी, अम्मी मेरा भी जन्मदिन करो। आप वहां से चले क्यों आए? और तुम क्यों चली आई? आप नहीं समझ पाएंगे। मैं समझ चुका हूँ। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें ये सब समझने की शक्ति हो। मुझ में है, वो तो सिर्फ एक बात की बात है, उसके लिए फिर इतना दुख क्यों सोचता? कौन सी बात? तुम्हारी अम्मी का तुम्हें बेटी ना कहे, बेटी जैसी कहना। रो क्यों रही हो सुजाता? तुम तो उपेन बाबू की ही लड़की हो, दुनिया में कौन है ऐसा जो इस सच्चाई को ना माने? आप मानते हैं? बेशक। एक बार फिर कहिए। एक बार क्या, मैं हजार बार कहूंगा, सच्चाई यही है कि तुम उपेन बाबू की बेटी हो। अच्छा सुजाता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? खो गया कहीं अंधेरे में। मैं समझा नहीं। जब इतना कुछ आप समझ सके तो ये क्यों नहीं समझ पाते कि मेरे जन्मदिन का पता किसी को नहीं? मैं कहता हूं कि है। किसे? आकाश की झिलमिलाते तारों को। उस दिन भी आकाश के तारे इसी तरह बिखरे पड़े झिलमिला रहे थे। अच्छा सुजाता, अगर कहूं कि उसी जन्मदिन का तोहफा तुम्हें देना चाहता हूं तो कबूल करोगी? बोलो ना सुजाता। मुझे मिल गया है। मिल गया? कैसे? जिसके जन्मदिन का ही कोई ठिकाना नहीं उसे आपने इंसान तो माना, उसके दुख को तो समझा, इससे बड़े किसी भी तोहफे की इच्छा मुझे नहीं। लेकिन बड़ा डर लग रहा है, इतना सुख शायद मैं सह न सकूंगी।
घटा छाय मोरा जिया तले सा काली घटा छाय मोरा जिया तले सा ऐसे में कहिए कोई मिल जाए रे काली घटा छाय मोरा जिया तले सा ऐसे में कहिए कोई मिल जाए बोलो किसका क्या चाहिए क्या चाहिए क्या जाए काली घटा छाय मोरा जिया तले सा सुजाता के लिए वर ढूंढने के लिए कहा था ना सो वही लोग आए हैं अच्छा चल तो लड़का नहीं आया मैं ही हूं क्या काम करते बोलो ना गांव में दुकान है ओ पहले ब्याह हुआ था तुम्हारा दो बरस से लड़ुआ हो गया हूँ दो बच्चे जान खाए रहते हैं इसीलिए बोलो ना अच्छा अच्छा पूरा इंतजाम हो जाने पर तुम्हें खबर कर दूंगी पैसे तो इसने बहुत कमाए हैं मालकिन पर उम्र ही जरा कोई बात नहीं रे पैसा ही तो सब चीज होती है कौन बुआ जी
रमा आई थी वहाँ? हाँ हाँ, रमा अभी अभी यहाँ आई थी और अधीर ने भी जाने का वादा कर लिया है। लेकिन चारू एक बात है, तुम सुजाता को लेकर नाटक में मत आना। मेरा मतलब है वो होगी तो। हाँ हाँ बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, और चारू एक खुशखबरी और भी सुनाती हूँ, सुजाता के लिए लड़का मिल गया है। शाम को मिलोगे तो सब बता दूंगी। हाँ अच्छा सुन सुजाता, आज वो रमा के कॉलेज में जामा है ना? हाँ मैं, मुझे याद है, मैं वो खादी की गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर जाऊंगी। देख सुजाता, वहाँ बुआ जी भी आई और तू। ओ, अच्छा अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। बहुत देर के आने में, अरे दीदी कहाँ है? उसे बहुत घर में काम था। बस काम काम काम, इतनी मिन्नत देके फिर भी नहीं आई। आखिरी घंटी बज गए, आप लोग चलिए, अभी मणिपुरी डांस होगा, उसके बाद ही मेरा ड्रामा, तब तक मैं मेकअप करके आ जाऊं। नानी मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकूंगा, मुझे एक प्रोफेसर के साथ काम है। तुझे तो रोज ही काम रहता है, चल चल।
आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मन ने बता दिया। आप रमा के कॉलेज में चंदाली का नाटक देखने नहीं गए? गया तो था, बहाना बना के चला आया। अच्छा, आप झूठ भी बोलते हैं? हाँ बोलता हूँ, बशर्ते इसमें किसी का नुकसान ना हो और मुझे फायदा मिले। चंदाली का नाटक तो मैंने बहुत बार देखा है। अच्छा, कैसा है? तुम नहीं जानती उसकी कहानी? नहीं तो? तो फिर आई क्यों नहीं यहाँ से देखने? ऐसे ही। बहुत अच्छी कहानी है, सुनाइए ना। भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में भिक्षुआनंद भी एक थे। एक दिन धूप में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। एक कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि एक लड़की पानी भर रही है। भद्रे, हमें तनिक जल दो। नहीं प्रभु, क्षमा करें मुझे। अति नीच कुल में जन्म लिया है मैंने, मैं हूं अच्छा। ये तुम्हारी भूल है भद्रे, तुम भी हमारे समान हो। जो जल तापित का ताप हरे तथा तृप्त करे त्रिषित को, उस जल को क्यों ना मानूंगा मैं तीर्थ जल जैसा। किंतु प्रभु, मैं तो हूं एक चांडाल कन्या। मिथ्या वचन। हे सुमुखी, श्रावण की घनघोर घटाओं को कहते हैं चांडाल मेघ, लेकिन उनसे उनका जल दूषित तो नहीं हो जाता। वनवास में माता जानकी की स्नानार्थ गुहुक चांडाल ही जल लाया था। तो आप ही को पाप स्पर्श करें, तब किस साहस से करूं मैं ये महापाप? नहीं भद्रे नहीं, उससे तो हम यथार्थ महापुण्य के भागी बनेंगे। व्यर्थ में आत्मनिंदा नहीं करते। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मनिंदा आत्महत्या से भी गहन पाप है। हम तृष्णा से पीड़ित होते हैं, लाओ हमें जन्म। उस चंडाल कन्या के हाथ से जल पीकर भिक्षु आनंद की प्यास बुझी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तब से वो भी अपने आप को इंसान समझने लगी। नीच नहीं, अछूत भी नहीं। मगर वो तो पुराने जमाने की बात है, आजकल ऐसा हो सकता है? क्यों सुजाता, हमारे जमाने में भी ऐसा महापुरुष हुआ है जिसने अपना सारा जीवन छुआछूत के पाप को मिटाने में लगा दिया। गांधी जी, सुनी नहीं तुमने सुछूत लड़की लक्ष्मी की कहानी? अहमदाबाद के आश्रम में गांधी जी ने उस सुछूत लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाकर रख लिया। कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई थी। उस सुछूत लड़की के कारण लोगों ने आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया, लेकिन गांधी जी अटल रहे। इंसान इंसान को अछूत समझे, और वो भी धर्म की आड़ लेकर। धर्म का इतना बड़ा अपमान वो नहीं सह सकते थे। उन्होंने चंदा देने वालों की नफरत मंजूर की, लेकिन उस बच्ची को आश्रम से नहीं निकाला। हालत ये हो गई कि आश्रम आज बंद हुआ कि कल ठीक उसी समय ईश्वर के आशीर्वाद की तरह 13,000 रुपए की रकम आश्रम को दान में मिली। गांधी जी की साधना सफल हुई। ये क्या, तुम रो रही हो? रो नहीं रही, ये कहानी सुनकर भला कौन रो सकता है? आज मुझे यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी लग रही है, आपको नहीं लग रही? सुजाता, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो, बोलो ना सुजाता। देर हो रही है, घर चलिए। मेरी बात का जवाब न देकर तुम भाग क्यों रही हो?
अगर जानता कि तुम भी मुझे इतना ही पसंद करती हो तो। चुप क्यों हो? जवाब नहीं दोगे? जानती हो सुजाता, मैंने एक सपना देखा है। कैसा सपना? तुम्हारे जूड़े में चंद्रमल्लिका का एक फूल, माथे पर लाल चंदन की बिंदिया, चंपई रंग की साड़ी पहने सुंदरता की मूर्ति बन तुम मेरे पास खड़ी हो। भला बताओ तो इस सपने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम सुंदर हो। बात को उड़ा मत दो सुजाता, बताओ सपने की तरह मेरे जीवन में तुम कब आओगी? जब तुम चाहो। पल में होती अमर लता तेरी, होता तुकी पल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे, तू मेरे साथ रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मुतवा, सुनो मेरे साथ रे। जरा जोर से गाओ ना। अभी तो सिर्फ सुर है मेरे पास, बोल नहीं मिल रहे। तो साफ साफ कह दो नहीं गाऊंगा, ये बहाना क्यों? वादा करता हूँ सुजाता, बोल मिलते ही तुम्हें सुनाऊंगा। सुजाता भैया। महादेव भैया आप? मालकन और साहब आए गए। और रमा? और रमा दीदी तो अभी तक नहीं आई है। सुजाता के लिए बुआ जी ने लड़का तो खोज ही लिया, अब देर करना ठीक नहीं। लेकिन उम्र से कुछ ज्यादा है, हमें अब इसमें हिलो हुज्जत नहीं करनी चाहिए। कम उम्र का लड़का कहां से मिलेगा? आज आखिर का ड्रामे से अचानक उठकर चल देना मुझे बहुत बुरा लगा। इसे बुरा माननी क्या बात है, मुमकिन है उसे कोई जरूरी काम रहा हो। नहीं जी नहीं, आजकल के छोकरों की महिमा ही न्यारी है, उनके मन की समझना आसान नहीं। और जब बुआ जी कहती है कि अधीर रमा के साथ ब्याह करने को राजी है तो रमा का इम्तिहान होने तक भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं। अधीर जैसे हीरे के साथ रमा का ब्याह न हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा।
अरे सुजाता, अभी तक तो मेरा मन सुरों में ही डूबा हुआ था, अब बोल भी मिल गए। लो सुनो, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल न सका, दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल न सका, आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं, दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं, गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तुम हंस रही हो क्या? मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूं। आज घाट पर आपके साथ जो भी बातें हुई वो झूठ थी, एकदम झूठ, वो सब आप बिल्कुल भूल जाइए। ये क्या कह रही हो सुजाता? हाँ, अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो बुआ जी से कुछ न कहे, बुआ जी अम्मी बापू किसी से भी नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में मुझसे और कुछ मत पूछिए। सुजाता, सुजाता,
सुनो सुजाता, सहस्र नयन देख, सगन गगन मगन देख, आसरस स्वप्न जो कि हुआ पूरा, साप्रसा संप्रसम रिमझिम की ये सर्वम। ए दिल, ऐसा खाओगी? नहीं, खाओ ना, बड़ा स्वाद है। रमा, अधीर बाबू तेरी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? कौन, अधीर बाबू? मेरी तारीफ? मैं तो हूं ही इस काबिल की सब मेरी तारीफ करे, इसमें क्यों का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अधीर बाबू खास तौर पर क्यों करते हैं? वो रोटी पकाने वाली ब्राह्मणी है ना, वो भी तो मेरी तारीफ करती है। नहीं रमा, हंसी की बात नहीं, तू जरा सोच। आखिर तो मुझे समझाना क्या चाहती है? अधीर बाबू जैसे नेक आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं, इसमें क्या शक है? मुझे डर है कहीं उनका मन दुखी ना हो जाए। अगर उनकी किस्मत में दुखी लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस बाबा, अब मुझसे बकबक नहीं की जाती, मैं जाती हूँ। चाय लाई हूँ बाबू। तेरी अम्मी कहाँ है सुजाता? आ रही है। ठीक है, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ कहाँ? कहीं तबीयत नहीं खराब हो गई? कुछ नहीं बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ जी का फोन आया था, सुजाता के ब्याह की बात उन्होंने एकदम पक्की कर ली। बात एकदम पक्की कर ली? और हमने लड़के को अभी देखा तक नहीं। भगवान के लिए आप इसमें अड़चन मत डालिए। सुजाता का ब्याह न हुआ तो रमा और आधीर की शादी भी तो अटक जाएगी। आजकल की ये लड़के, राम जाने इनके अकल पर कब पत्थर पड़ जाएंगे। अगर ऐसा लड़का हाथ से निकल गया तो मेरे तो दुख का कोई कुल किनारा ना होगा। मैं तुम्हारे साथ फैसला करने आया हूँ सुजाता। आखिर आप वही भूल फिर मत कीजिए अधीर बाबू, मेरा ब्याह आपसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। अपना नफा नुकसान समझने की अकल मुझमें है सुजाता। तो फिर ना समझी करने पर क्यों तुले बैठे? मुझसे अच्छी लड़कियां बहुत सी मिल सकती है। ना, एक भी नहीं मिल सकती। आप कितने बड़े वंश के हैं, कितनी ऊंची जात है आपकी, ये आप जानते हैं ना? जरूर जानता हूं। और आप ये भी जरूर जानते हैं कि आपसे नीचे जात वाले लोग भी दुनिया में भरे पड़े हैं। हाँ। और नीचे जात वालों का मन भी नीचे हो जाता है। ये तुम्हें हो क्या गया ऐसा जाता? ऐसी बेदुखी बातें आखिर क्यों? कारण है। मैं आपकी जात की नहीं हूं। तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि उपेन बाबू से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं? रिश्तेदारी तो दूर की बात रही, मैं उनकी बिरादरी तक की भी नहीं। मैं बहुत नीची जात की हूं, मैं अछूत हूं, एकदम अछूत। क्यों चुप होकर क्यों रह गए? अब कभी आइएगा मेरे पास? अब कभी मुझसे ब्याह करने की इच्छा होगी आपके मन में?
मुझे डराना चाहती हो सुजाता? नामुमकिन, मैं जात पात नहीं मानता। तुम जो भी हो, तुम्ही ने मेरे सपने सजाए हैं, तुम्ही से मैंने प्रेम करना सीखा है, तुम्ही मेरे जीवन। बस अधीर बाबू, बस, और नहीं, भगवान के लिए और कुछ मत कहिए, मैं नहीं सह सकूंगी। तो भी आपका ब्याह मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों, किस लोभ में पढ़कर तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही हो? कोई गहरा भेद है क्या? हाँ है। क्या? मत पूछिए, मैं आपके पांव पड़ती, मुझे कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुनना चाहती। मुझ जैसी अछूत लड़की की बात ही भूल जाइए, समझ लीजिए आपके सपनों की रानी मर गई, आपकी चंद्रमल्ली का मुरझा गई, सूख गई। अंधेरे में क्यों बैठा है बेटा? ऐसे ही। तो कहता था कि कहीं जाने को मन नहीं करता, अब फिर अचानक कहाँ चला गया था? रमा के घर। अच्छा अच्छा, तब तो तुझे वो खबर ही मिल गई होगी। कैसी खबर? उन लोगों के घर में वो अछूत लड़की रहती है ना, अरे वो सुजाता, उसकी शादी पक्की हो गई। दूल्हा भी उसी की तरह नीच जाति का है, मगर है बहुत पैसे वाला। सुजाता भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। अच्छा तू आराम कर बेटा, मैं भी ठाकुर जी की आरती कर रही हूं। हेलो, कौन? सुजाता, मुबारक हो, सुना है बहुत मालदार आसामी के साथ देखी जा रही हो। आखिर दौलत के लालच में तुमने मेरे प्यार को ठुकरा ही दिया। जानती हो दौलत के लिए कौन रुकता है? आज मुझे मजबूरन यकीन करना पड़ रहा है कि दुनिया में नीच जात के लोग भी होते हैं, उनका दिल भी नीच होता है, और तुम इस बात की जिंदा मिसाल हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं अधीर बाबू? किससे सुनी है आपने मेरे ब्याह की खबर? उससे जिस पर भरोसा किया जा सके। तो फिर उस ब्याह की मुहूर्त पर एक बार आइएगा जरूर। क्यों? आपके पांव की धूल से अपनी मांग भरकर यह अछूत लड़की आपकी आंखों के सामने सदा सदा के लिए सो जाएगी। सुजाता, नानी। बोलो बेटा। क्या सच तुम यही चाहती हो कि मैं जल्दी शादी कर लूं?
कैसी बात करते हो बेटा? अरे मैं उसी दिन के लिए तो जी रही हूँ कि सब चांद से बहू घर आए। तो शुरू करो तैयारी। झुक जियो बेटा, मैं अभी उपेन को संदेशा भिजवा देती हूँ। लेकिन रमा का इम्तिहान? रमा से नहीं, मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा? मैं सुजाता से ब्याह करना चाहता हूँ। तुझे ये पता है कि उपेन की लड़की नहीं है? हाँ। और ये भी पता है कि वो अछूत है? ये भी पता है। जी 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 जी। मेरे ठाकुरों के सामने खड़ा होकर उस अछूत लड़के से ब्याह करने की बात मुंह से निकाल रहा है। हट जा मेरे सामने, निकल जा यहाँ से। सुजाता को क्या तुम्हारे ठाकुर ने नहीं किसी और ने बनाया है? ये जो तुमने बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण की तस्वीरें लगा रखी हैं, इनमें से तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ऊंची नीची जात होती है, इंसान इंसान में फर्क होता है। उनकी बात क्या करता है तू? वो तो सब देवता है, देवता। वो सब इंसान को इंसान समझते थे, तभी ना आई देवता है। इंसान से नफरत करना सबसे बड़ा पाप है नानी। रहने दे अपने उपदेश, मुझे धर्म सिखाने आया है। कान खोल कर सुन ले, उस लड़की से तेरा ब्याह कभी नहीं हो सकता, वो अछूत की लड़की है। मैं इस बात को नहीं मानता, अब तो वो उपिन बाबू की लड़की है। तेरे कहने से ही हो जाएगी, उसका जन्म अछूत के घर हुआ है। तो क्या जन्म ही सब कुछ है? अच्छा, अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को कोई शूद्र पाले तो तुम उसे ब्राह्मण मान लोगी? कभी नहीं, उसकी जात तो गई, वो अब शूद्र की लड़की हो गई। फिर तो मैं कहूंगा कि सुजाता भी ब्राह्मण की लड़की हो गई, क्योंकि उपिन बाबू जैसे खानदानी ब्राह्मण के यहाँ वो पली। असल में कोई भी आदमी जन्म से नहीं, अपने संस्कारों से छोटा बड़ा होता है। चुप रहे, तू बहस करके मुझे नहीं हरा सकता। आखिरी फैसला सुन ले, उस लड़की से तू ब्याह नहीं कर सकता। फिर मेरा भी आखिरी फैसला यही है कि मैं सुजाता के अलावा और किसी से ब्याह नहीं करूंगा। तो आज तक मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। मेरी धन संपत्ति पर तेरा कौड़ी भर भी हक नहीं। भगवान, जीवन के अंत में अब ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो? मालकिन, छोटे मालिक चले जा रहे हैं। मालकिन, छोटे मालिक सचमुच ही चले जा रहे हैं। जल्दी उठिए मालकिन। अधीर, कहाँ जा रहा है? खैर, क्या तू सचमुच चला जाएगा? हाँ। एक अच्छी लड़की के मुंह में पड़कर अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा? मैं जात पात में विश्वास नहीं करता। आज तेरे लिए अपना विश्वास ही सबसे बड़ा हो गया, फर्क कुछ नहीं रहा, बात ही बात में घर छोड़कर जा रहा। जब तू इतना सा था, तेरी माँ मर गई, उस दिन से मैंने ही तुझे अपनी गोदी में पाल पोस कर बड़ा किया। तेरा ही मुंह देखती रही बेटा, पर लोग तक को भुला दिया, और तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, इतना भी नहीं सोचा कि तेरे सिवा दुनिया में मेरा और कुछ नहीं। तो इस घर से चला गया, तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकूंगी। मैं हाथ मानती, तू मत जा बेटा, मैं हार गई। अधीर बाबू, ये चिट्ठी सरकार किसकी है? सुजाता बिटिया की तरफ से। अच्छा तुम जाओ।
अधीर बाबू, फोन पर आपको सब बातें नहीं कह सकी, इसीलिए ये पत्र लिख रही हूँ। मुझ जैसी छोटी जात की एक लड़की से आपने प्यार किया, ये मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन आपको सुखी बनाने में मुझे अपने अम्मी पापा को दुख देना पड़ेगा, जो मैं दुनिया के किसी भी लोग के लिए नहीं कर सकूंगी। उनकी इच्छा है आपका ब्याह रमा के साथ हो। अगर मुझे आप सुखी देखना चाहते हैं तो आप रमा के साथ ब्याह कर लीजिए। मैं जीवन भर अम्मी बापू के पास रहकर उनकी सेवा करती रहूंगी। सुजाता, बुआ जी, अचानक किस वक्त? अधीर की तबीयत तो ठीक है ना बुआ जी? ठीक। क्या बात है, आपको थकी थकी सी लगती है? मैं बहुत थक गई हूँ चारू। मैं ये कहने आई थी, अधीर बहुत जल्द शादी करना चाहता है। सच? ये तो शुभ समाचार है बुआ जी। लेकिन रमा का इम्तिहान जो सर पर आ गया है। रमा से नहीं, अधीर सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता? क्या अधीर ये नहीं जानता कि सुजाता अछूत है? जान सब पता है मुझे, लेकिन आप क्यों कर इतने बड़े अनाचार को चुपचाप सहने के लिए तैयार हो गई? मैं हार गई हूँ चार, बिल्कुल हार गई। अधीर की दलीलों ने मेरा मुंह सी लिया। वो आजकल की हवा में पड़ा लिखा पड़ा लड़का है। शायद वो ठीक ही कहता, जमाना बदल रहा है चारू, हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन मन के संस्कारों को भी तो बदला नहीं जा सकता। सोचती हूँ उस दिन काशी रहकर मन शांत करा। बैंक के शेयर 50,000 के संकल्प कर लिया था कि अधीर की बहू को दूंगी, लेकिन है तुम्हें दिए जाती हूँ सुजाता के लिए। जब हार ही गई हूँ तो पूरी तरह से ही हार जाना अच्छा। आखिरकार अधीर ने, अधीर का क्या दोष है? दोष है लागन जो हमारे लाड प्यार का, हमारे स्नेह इस तरह से बदला चुकाने के लिए अभी तक इस घर में जमी बैठी। बहुत चारों तरफ क्यों है? सुन, आखिर है तो हमारी बेटी जैसी। बेटी जैसी नहीं, नागन जैसी। कहा नागन जैसी? चारू, उसे दुल्हन के रूप में सजी हुई देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने बेटे के हक छीनने वाली राय की सुहाग में नहीं ला सकूं। चारू, चुप रहो। चारू, क्यों चुप रहो? किसके डर से? मैं अपनी नागन को पाला था, इससे हमारा ही खाया और हम ही को डर। चारू, क्या हुआ अम्मी? खबरदार, मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ। चली जा यहाँ से, चली जा। मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी। दुनिया भर मुंह नहीं। चारू, अम्मी। चारू, अम्मी। चारू, माफ को क्या हुआ? चारू, माफ कर। चल, चारू कमरे में ले चल। देखिए मिस्टर उपेन, इन्हें बहुत ब्लीडिंग हुआ है और इसी वजह से इनकी पल्स भी बहुत वीक चल रही है। मेरा तो ख्याल है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत सावधान रहना होगा, जरा सी भी एक्साइटमेंट या गुस्सा खतरनाक साबित हो सकता है। और अच्छा, चलिए उधर चलिए। नर्स, इनकी पल्स बराबर देखती रहना। देखिए उपेन बाबू, मैं आपको साफ साफ बता दूं, रोगी की दशा बहुत ही सीरियस है, उसे फौरन ताजा खून देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मेरा खून दे दीजिए। इस तरह नहीं, पहले उनका खून टेस्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का है, फिर उनके खून के साथ जिसका खून मैच करेगा उसी का खून दिया जाएगा। आप फौरन ही पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शांगवी को बुलवा भेजिए। डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ओ, मैं आता हूँ।
देखिए साहब, आप एक मिनट भी मत गवाइए। फोन में किए देता हूँ, आप अंदर जाइए। नहीं, इनका खून भी नहीं मिलता। डॉक्टर, पेशेंट की नब्ज़ अधूर रही है। तुम फौरन कोरामिन का एक इंजेक्शन तैयार करो। अब क्या किया जाए डॉक्टर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, खून तो फौरन ही मिलना चाहिए, यहाँ और कोई नहीं है। आप मेरा खून देख लीजिए। सुजाता, तू? हाँ बाबू। तो आइए आप यहाँ बैठिए। डॉक्टर सांगी, आप इनका ब्लड टेस्ट करिए, मैं तब तक इंजेक्शन दे के आता हूँ। क्यों डॉक्टर? पेशेंट का खून और इनका खून बराबर मिलता है, सेम टाइप। थैंक गॉड। आइए आप मेरे साथ, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आइए डॉक्टर सांगवी। चुका है, अब आप इन्हें आराम करने दीजिए और दोपहर बाद एक बार फोन पर इनकी खबर आप मुझे दीजिए। नर्स, अभी रात भर जागते रहे हो, अब जरा आराम करो। बोल रही हूँ, आपने फोन पर खबर देने को कहा था ना? माँ ठीक है, इसमें वो सो रही हैं। जी हाँ, मैं बाबा से कह दूंगी। अच्छा नमस्ते डॉक्टर साहब। कल रात से एक ही बात बार बार मेरे मन में उठ रही है अधीर जी। आखिरकार सुजाता के खून के साथ चारू का खून, तो आपका विचार क्या यही है कि छोटी जात और बड़ी जात के लोगों के खून अलग अलग तरह के होते हैं? अब तो आपकी तबीयत अच्छी है, मैं जरा घर हूं। अधीर क्या कह रहा था? सुजाता ने हरा दिया चारू। किसे? हम सब को। तुम्हें खून देने की जरूरत आ पड़ी थी, मेरा, अधीर का, यहां तक कि रमा का खून भी तुम्हारे खून के साथ नहीं मिला। आखिर का सुजाता का खून क्या मतलब? सुजाता ने अपना खून देकर मुझे उठो मत, लेके रहो। लेकिन सुजाता का और मेरा खून एक ही जैसा कैसे हुआ? ये मुझसे मत पूछो चारू, इसका जवाब तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, जिन्होंने मुझे बनाया, तुझे बनाया, सुजाता को भी बनाया। शायद वो सबको एक ही नजर से देखते हैं। हार हो गई चारू, हम बुरी तरह से हार गए। अपना खून देकर, तुम्हारी जान बचा लेने के बाद
सुजाता पर हमारा कोई कर्ज बाकी नहीं रहा, उसने हमारे सारे एहसानों का बदला चुका दिया। सच है, अब उस पर नाराज तक होने का हमें कोई अधिकार नहीं। कहाँ है वो? उस कमरे में, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, बुला दो उसे। इस वक्त रह गई। सुजाता, चिट्ठी में जो लिखा है तुमने, क्या वही सच होकर रहेगा? तुम्हारा निश्चय बदल नहीं सकता? नहीं, आपने बुआ जी को फजूल यहां भेजा, मैं ब्याह नहीं कर सकती। क्यों? मेरे ही कारण अम्मी को इतनी तकलीफ हुई। सुना नहीं आपने, मेरी सांस तक भी जहरीली है। बचिए इस जहर से, चले जाइए आप। यही कहकर विदा करोगे मुझे? और कुछ नहीं कहना चाहते हो? चाहती हूं। कहो सुजाता। जाने से पहले एक वादा करते जाए कि आप मुझे भूल जाएंगे, जीवन भर मुझसे नफरत करते रहे। जा रहा हूं, लेकिन दुख यही है कि तुमसे नफरत नहीं कर सकूंगा कभी। मेरे प्यार में नफरत की कोई जगह नहीं। सुजाता, तुमने मुझे प्यार करके भूल की। हाँ, ना समझती मैं, भूल ही से प्यार कर बैठी। तुम्हारी इस भूल के सहारे ही अब मैं जीवन काट सकूंगा, और कोई चारा नहीं, कोई सहारा नहीं। मेरी बात मानिए, रमा से ब्याह कर लीजिए, आप सुखी होंगे। ऐसी बात कहे कि मेरा अपमान न करो सुजाता, मैं रमा को धोखा नहीं दे सकता। इससे तो बेहतर है कि खुद धोखा खाकर सब्र कर लो। अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। ये रही तुम्हारी चिट्ठी, अब मैं इसे अपने पास रख के क्या करूंगा? मुझे माफ कर दो, जाने से पहले एक बार कहते जाओ कि माफ कर दिया। अम्मी और बाबू की खुशियां मैं नहीं छीन सकूंगी, उन्हें दुखी नहीं कर सकती। सुजाता ने एक बार फिर हमें हरा दिया, उससे हमारा छोटा गरु बिल्कुल जड़ सुखाड़ दिया है। ये चिट्ठी पढ़ दो। लेकिन अधीर बाबू, आपको सुखी बनाने के लिए मुझे अम्मी बाबू को दुख देना पड़ेगा, जो मैं दुनिया के किसी भी आकर्षण के नहीं कर सकूंगी। हम हारे तो है चारू, लेकिन इस हार को मान लेने में आज बड़ा आनंद आ रहा है। सच बताओ चारू, इतने दिन तक जिसे हम बेटी जैसी समझते आ रहे हैं, ये क्या उसी सुजाता की आत्मा की आवाज है? वो तो अपनी बेटी से भी आज समझ रही हूँ सुजाता हमसे कितना प्यार करती है। उसने हमें हमारी भूल महसूस करा दी। उसे बुलाइए, बुलाइए ना। यहाँ बाहर खड़ी क्यों बुला रही है? चल अंदर चल।
ये जलन में लेकर मैं अम्मी के सामने कभी नहीं पढ़ूंगी। बुलाइए बुलाइए ना। चल सुजाता चल। अरे खड़ी क्यों है, रख बैठ। वहां नहीं, यहां मेरे पास बैठ सुजाता। सुना तो नहीं आखिर तुझसे ब्याह करना चाहता है? नहीं अम्मी नहीं। क्यों? मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी, सदा तुम्हारे पास रहूंगी। ब्याह तो सभी लड़कियों का होता है सुजाता। नहीं, रमा का ब्याह हो। रमा का तो होगा ही, तेरा भी तो होना चाहिए, तू भी तो हमारी। अम्मी मत कहो, ये बात मत कहो। कौन सी बात? यही बेटी जैसी मुझसे नहीं सुनी जाती। अम्मी मुझसे नहीं सुनी जाती। कौन कहता तू हमारी बेटी जैसी? तू तो हमारी बेटी है, हमारी ही बेटी है। क्या कहा? फिर कहिए एक बार फिर। हाँ तो हमारी ही बेटी है। फिर कहो माँ, यही सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। माँ माँ अरे ये क्या बात, क्या है? आप सब रो क्यों रहे हैं? हम क्या रो रहे हैं? रो तो सुजाता रही है। क्यों रे दीदी, तू क्यों रो रही है? अपने ब्याह की बात सुनकर रो रही है। ब्याह? किसके साथ? अधीर के साथ। अधीर बाबू के साथ? तब तो आप समझे नहीं, ये रो थोड़ी रही है, ये तो हंस रही है। देखो तो दीदी, ए श्री देखो, माँ देखो दीदी हंस रही है। देखो दीदी देखो, जरा मुंह तो ऊपर कर। जानती है बेटी, तुझे इस घर से निकाल देने की कोशिश हम लगातार करते रहे पर नाकामयाब रहे। आखिर आज तुझे हम सचमुच ही निकाले गए। अम्मी चल बेटी चल, देर हो रही है।